आंवला कितना गुणकारी फल है ये तो हम सभी जानते हैं। विटामिन सी के अलावा कई और पोषक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके नियमित सेवन से हम बालों और स्किन की कई तरह की समस्याओं से दूर रह सकते हैं। आप इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आप चाहें तो इसका अचार बनाकर पूरे साल भर इसके फायदे ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिको डेली में। मैं हूँ तारकेश्वरी। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आंवले ले लिए हैं अचार बनाने के लिए। आपको ये देखना है कि आंवले आपके बहुत ही फ्रेश और फर्म होने चाहिए। अगर कोई भी सड़ा हुआ या खराब फ्रूट है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें, नहीं तो आपका अचार खराब हो सकता है। अब हम इसको आंवले को 2-4 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे जब तक कि ये पूरी तरह साफ ना हो। अब आंवले धुल के एकदम साफ हो गए हैं। अब हमें इसी तरह से इसको कपड़े के ऊपर सुखाना है ताकि इसमें जरा भी पानी ना रहे। ये देखिए ऐसे, अब देखिए हमारे आंवले लगभग सूख गए। यहाँ पे मैंने आंवलों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इसके सारे सीड्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब हमने जो पीसेस किए हैं ये बाइट साइज पीसेस हैं, इसको खाने में बहुत ही आसानी होती है। अब हम इसमें मिला देंगे 1.5 टेबल स्पून नमक। आधा टीस्पून में डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर। सभी चीजों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि ये दोनों मसाले ठीक से आंवलों में रच बस जाए। देखिए मैंने इनको ठीक से मिला दिया है। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी किचन काउंटर पे अगले 24 घंटे तक। 24 घंटे के बाद ये देखिए आंवलों का कलर चेंज हो चुका है। ये सॉफ्ट भी हो गए हैं और इन्होंने बहुत सारा पानी भी छोड़ दिया है। आंवलों को अब हम छानकर प्लेट में रखकर पंखे के नीचे 2-3 घंटे के लिए सुखा लेंगे। देखिए आंवले अब सूख चुके हैं। छना हुआ पानी अब हम अलग कर देंगे, अचार में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अचार के लिए यहाँ पर मैंने ये सामान लिया है। मेथी 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, मस्टर्ड सीड या सरसों 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 2 टेबलस्पून ली है, आप तीखी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है साबुत सौंफ। और तेल हम लेंगे जरूरत के हिसाब से, ये 250 ग्राम। अचार के लिए मसाला बनाने के लिए मैंने पैन को बहुत ही स्लो हीट पे गरम कर लिया है। अब हम अपने मसालों को हल्के से रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे मेथी, फिर हम डालेंगे जीरा, अब हम डालेंगे इसमें सौंफ। इनको हल्का हल्का चला लेंगे और धीमी आंच पे इनको भूनेंगे जब तक कि इसमें से हल्की सी बढ़िया खुशबू ना आने लगे। देखिए अब हमारे मसाले टोस्ट हो गए हैं, बढ़िया सी खुशबू इनमें से आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड सीड, अजवाइन, थोड़ा सा और भून लेंगे, बढ़िया सी खुशबू आ रही है। देखिए अब हमारे मसाले टोस्ट हो गए हैं और गैस को अब हम ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। हमारे मसाले ठंडे हो गए हैं, अब हम इस मोटर एंड पैसल में इनको मोटा मोटा कूट लेते हैं। मसालों को हमें दरदरा कूट लेना है, आप मिक्सी में भी इन्हें पीस सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस अचार में हींग नहीं डाली है, अगर आप डालना पसंद करते हैं तो इस स्टेज पर आप मसालों के साथ ही उसे मिला दें 1 पिंच हींग। ये देखिए हमारे मसाले कूट चुके हैं। देखिए हमें इतने मोटे चाहिए, बहुत बारीक हमें नहीं कूटना है, ऐसे ही हमें चाहिए। एक बाउल में मैंने सुखाए हुए आंवले ले लिए हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है, देगी मिर्च डाल दी है, हल्दी पाउडर डाल दिया है, साथ ही साथ हम कुटे हुए मसाले भी मिला देंगे। सारे मसालों को आंवले के साथ ठीक से मिला लेंगे।
हम मसालों के साथ थोड़ा सा ठंडा किया हुआ सरसों का तेल भी डाल देंगे ताकि मसाले आंवले में चिपक जाएं। तेल, मसाले और आंवले को आपस में ठीक से मिला लें। ध्यान रहे आप सरसों के तेल को अचार में इस्तेमाल करने से पहले धुआं आने तक गर्म करके ठंडा कर लें। यहाँ पर कांच के जार में मैं अचार को भर लूंगी। जार को पहले मैंने धोकर धूप में सुखाकर स्टरलाइज कर लिया है। ऊपर से बचा हुआ तेल भी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि अचार तेल में ही प्रिजर्व हो जाए। शीशी का ढक्कन ढीला करके 4-5 दिन धूप में इसको रख देंगे। दिन भर में एक बार रोज चम्मच से चला भी लेंगे। लीजिए, आपका अचार खाने के लिए तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फीडबैक मुझे लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।